कार यात्रा सर्विस के नाम पर करोड़ों की ठगी के मामले में ठगों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई नोएडा पुलिस ने शुरू कर दी है। नोएडा के कोतवाली सेक्टर 63 पुलिस संपत्ति को कुर्क कर रही है। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के आदेश पर करीब 1 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। बता दें कि आरोपियों ने ग्रेटर नोएडा की एक महिला से 2 करोड़ की ठगी की थी, साथ ही 122 लोगों के साथ भी ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया था। ठगी के लिए आरोपी एक कार के लिए 4 लाख रुपये का निवेश करवाते थे। इसके बाद लोगों से 25,000 रुपये महीना मुनाफा देने के साथ साथ कार का किराया देने का झांसा देते थे। ये आरोपी सरकारी विभागों में कार को टैक्सी के तौर पर लगवाने का झांसा देते थे। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने सरकारी विभागों में 500 कार ठेके पर लगवाने के नाम पर करीब 150 लोगों से 7 करोड़ से ज्यादा की रकम ऐंठ ली। पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मुख्य आरोपी दीपक चौधरी और उसके मामा विपिन को सेक्टर 62 गोल चक्कर से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस घोटाले में लखनऊ में तैनात पशुपालन विभाग के निदेशक संतोष कुमार मलिक भी शामिल है। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी है।